गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम खेलने वाले हैं मून नाइट टूर्नामेंट, जिसका हम एक मैच हार चुके हैं, अब दूसरी मैच की तरफ चल रही हैं। फियाज 16 ग्रेड और मेरा भी 16 ही है। ये मेरी दूसरी आईडी है जिससे मैं खेल रहा हूँ। ये जाएगा और नहीं गया। नेक्स्ट वीक जो आने वाला टूर्नामेंट्स के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ इनबॉक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब किसकी बारी है जाने, अब इसकी बारी है। ये तो गया, ये देखिए फॉर मैंने गलत शॉट खेली है, जिसका मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने कुछ और खेल लेना था। इसको कहते हैं गुड लक। ये देखो मैंने ऐसी शॉट खेली और चली गई। ये देखें, ये भी जाएगी, ये भी गई। ये अब इसकी बारी, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं गया जी। ऑपोजिट की आ गई है, अब देखना वो कैसे बारिश मचाते हैं, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, इनके साथ मैंने चैलेंज गेम खेली हुई है। और ये भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है इन्होंने। यार नाम है इसका और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, पुल का चैम्पियन है। तकरीबन इसके साथ मैंने बहुत से मैच खेले हैं और तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैं हारा हूँ। लेकिन आज इंशाल्लाह ऑडियंस के सामने इंशाल्लाह मैं जीतूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये भाई चांस नहीं देगा कोई भी जीतने का। अब मेरे पास सिर्फ दो रह गए हैं, तीन रह गए हैं, तीन तीसरा किधर पड़ा है? एक तो ये पड़ा है ना। गलत शॉट, इसका पछतावा है हमें। लेकिन कोई बात नहीं है, मौका मिलने वाला है। अभी तक गेम बहुत पड़ी है, कुछ भी हो सकता है गेम में। ये अगर गलत शॉट की वजह से अगर ब्लैक चला गया तो इनको बहुत पछतावा होने वाला है, गेम हार सकते हैं। अगर इन ब्लैक को टच किया और वो पॉकेट में चला जाता है तो, पॉकेट में तो नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं है जी, अभी भी गेम टफ है हमारी। फियाज भाई को हाय बोलते हैं। ये तो मैंने पहले बोल दिया था, ये टफ खिलाड़ी हैं। ये गलत, अब इनके सिर्फ दो रह गए और हम, मैंने कहा था अगर इनको एक मौका मिल गया तो ये नहीं जीतने देंगे, और मौका इनको मिल चुका है। ये देखिए मौका ही मौका इनके पास है, ज़ोर से लगाएंगे तो इनका ध्यान भटका देते हैं। टाइम बहुत ही थोड़ा सा रह गया इनके पास, अब मौका मिलेगा, क्योंकि किस्मत की शॉट है, अगर जाए किस्मत के अलावा तो नहीं जाने वाली। ये देखते हैं इनकी जाती है या नहीं जाती। शॉट तो अच्छी, लेकिन कोई बात नहीं है फियाज भाई। ये जाएगी,
आराम से खेलने से उनको मैंने टच किया है जाकर। ये जाएगी नहीं जाएगी यार, कुछ टाइम ही वेस्ट करना है। अगर मुझे एक चांस मिला है बड़ी, वो भी मुश्किल से। फिलहाल भाई को तरस आ गया है पत्ती यार, ये चांस गया और चांस बहुत मिला था लेकिन किस्मत ख़राब है ना, वो जो कहते हैं क्या कहते हैं कुछ याद नहीं है, ये कहते हैं कि ये मैच नहीं जा, हाथों से चला गया है। फ़ियाज़ भाई गलती कर रहे हैं, इनका ऊपर चला जाएगा मुझे तो लगता है। अगर ये स्लो खेलेंगे तो बच सकते हैं, अदरवाइज इनका चला जाएगा और ये लूज़ कर सकते हैं। चांस हैं, ध्यान भटकाते हैं इनका, तो देखते हैं क्या होता है। आराम से फ़ियाज़ भाई, बस चांस अभी भी चांस है हमारे पास कि एक को करके फिर हम भी चले जाएं। ये देखें बस आराम से, ये तो गया। फ़ियाज़ भाई अब क्या होने वाला है, ये लास्ट बॉल है हमारा और अगर ये चला जाता है तो विन पक्की है हमारे पास। तो ये आराम से खेलना है, ये खेल दिया और हम हार की तरफ जा रहे हैं लेकिन जीत गए हैं। गुड बाय।